अस्सलाम वालेकुम बढ़ती हुई गर्मी को देखकर और जैसे अभी आगे बड़ी इारी है उस, उसमें जो आप गोश खाओगे उसको हज़म करने के लिए उसकी तस्वीर को आप अंदर अपने हाज़मे को ठंडा रखने के लिए कैरी का शरबत लेकर आई हूँ ये कैरियाँ आम बाज़ार में मिल जाती हैं ठीक है मैंने तकरीबन यहाँ पर आधा किलो कैरियाँ ली हैं और उसको अच्छे से धोकर हमने इसको ऐसे छिलका इसका उतार लेना है सारी कैरियों के ऊपर से आप यकीन जानिए बहुत ही मज़ेदार बनकर ये तैयार होता है जैसे ही आपका गिलास एक अंदर गया तभी आपका सारा कुछ आपका जो हाज़मा है आपका जकार आएगा तो आपका सब कुछ हज़म हो जाएगा ठीक है कैरियों को छील कर कट कर लेंगे उसको ग्राइंडर जार में डालेंगे ऐसे और इसके अंदर तकरीबन एक कप चीनी जाएगी ठीक है और थोड़ा सा इसमें जाएगा तकरीबन हाफ़ टी स्पून वाइट नमक जाएगा जो नॉर्मल हम घर में यूज़ करते हैं हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा काला नमक और पुदीने की पत्तियाँ जाएंगी इसमें तकरीबन पाँच से छः चम्मच बोल रही आधा कप और ग्रीन कलर जो है ये आप मतलब ऑप्शनल है और डालना चाहते हैं तो डाल लें तो स्किप कर लें और तकरीबन दो से तीन ग्लास इसमें पानी डालेंगे अच्छे से हमने ग्राइंडर को बंद कर कर इसको चला लेना है जब तक कि इसके अंदर कैरियाँ जो हैं अच्छे से क्रश ना हो जाएँ ठीक है ये देखिए जी हमारा बहुत ही लजीज सा शरबत बनकर रेडी है अब इसको हमने छन्नी की मदद से छान लेना है ताकि इसके अंदर जो आम का गुदा है या इसका कोई बाल वगैरह है आम के जहर है बाल वगैरह होते हैं वो इसमें से निकल जाए ठीक है ये देखें अच्छे से इस तरह हमने छान लेना है और इस टाइम पे हम इसमें डालेंगे ढेर सारी बर्फ़ जिसको और ठंडा ठंडा कुल कुल कर देगी ठीक है आप यकीन जानें कि बहुत ही मज़ेदार ये शरबत बनकर रेडी हुआ था मेरे बच्चों ने इसको बहुत ही होश होकर पिया ठीक है आप इसको ये जैसे अभी ये आ रहा है ईद गोश्त खाएंगे तो उसके बाद आप जस्ट एक गिलास इसका पियेंगे तो आपको उसकी गोश्त की तस्वीर गर्म नहीं लगने वाली ठीक है अच्छे अच्छे ग्लासों में इसको हमने इस तरह फिल करना है उसके अंदर स्ट्रॉ रखने हैं और साथ ही हमने इसके अंदर मिंट लीफ रख लें या एज इट इज़ भी चलेगा कोई इशू नहीं ठीक है आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में लाज बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी ठीक है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर वीडियो को लाइक और शेयर किए बगैर भी मत जाया करें मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा तब तक के लिए ओके बाय अल्लाह हाफिज़